प्रोग्राम में हम एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स चाहिए। फर्स्ट stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये वाली हेडर फाइल प्रिंट ऑफ scanf को डिफाइन करती है। सेकंड हेडर फाइल है conio.h, ये वाली हेडर फाइल क्लियर स्क्रीन और getch को डिफाइन करती है। कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके बाद हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और इसी की बॉडी में हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन इसलिए लिखते हैं कि प्रीवियस आउटपुट को वो क्लीन कर सके। गेट सी एच फंक्शन इसलिए लिखते हैं जिससे कि जो आउटपुट स्क्रीन है उसको होल्ड कर सके। क्लियर स्क्रीन से पहले हम अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रोग्राम बना रहे हैं हम, तो उस फॉर्मूले के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, तो हम फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ लेंगे। तो हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे एक इनपुट कराने के लिए यूज़र से एक मैसेज प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, तो इसको और बेटर वे में, जैसे कि यूज़र को क्लियर कट पता चल जाए कि उसे क्या इनपुट करना है। इसके बाद हम scanf कराएंगे। scanf होता है जैसे कि अब यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप लिया है, तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ आएगा। इसी तरीके से हम तीन इनपुट ले रहे हैं तो तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर देने होंगे। कॉमा के बाद हम उन्हीं को वेरिएबल्स को इनपुट कराना है। अब इसमें इनपुट कराने के लिए एक एम परसेंट लगाना होगा जो मेमोरी एलोकेट करेगा उस वेरिएबल को। प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ये हमने तीन इनपुट ले लिया, एम परसेंट पी, एम परसेंट आर और एम परसेंट टी। ये तीनों इनपुट लेने के बाद अब हम इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम इनमें फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम फार्मूला लगा देते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम इसे इस आउटपुट को शो कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे परसेंट एफ लेंगे क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन करी वो फ्लोट में है, ये फ्लोट में है, तो इनपुट हमने फ्लोट में लिया है तो कैलकुलेशंस भी फ्लोट में होंगी, तो उसे स्टोर भी हम फ्लोट में करेंगे। अदरवाइज अगर इंटीजर में ले लेते हैं ना, तो फ्लोट की जो आगे डेसिमल वैल्यूज़ हैं, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लॉस हो जाता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करा देंगे और ठीक है, ये हो चुका है। एक बार रन करते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे ये इनपुट अब अपने से यूज़र से मांगता है प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें देना है, मान लीजिए 4000 प्रिंसिपल है, रेट 5% रेट है एंड टाइम 2 ईयर्स के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 400। और यहाँ नोट करने वाली बात है, फ्लोट 6 डेसिमल डिजिट्स तक शो करता है जो कि वो कर रहा है। अब हम डेसिमल वैल्यूज़ इनपुट करा के देखते हैं, वापस रन करते हैं। 4050 पैसा या 50 पैसा, ठीक है। रेट हम ले लेते हैं 5.5% और टाइम हम ले लेते हैं 2.5 ईयर्स, इस तरीके से। तो अब कैलकुलेशंस होने के बाद पॉइंट्स में जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का हम प्रोग्राम बनाते हैं। और अगर आपको सी के कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए।